हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज अपन बात करते हैं आरबीसी काउंट पर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आरबीसी काउंट क्या होता है, आरबीसी काउंट कैसे करते हैं, आरबीसी काउंट करने में रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, उसकी प्रोसीजर क्या है एंड उसका नॉर्मल वैल्यू क्या है। तो अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर आप एक पैथोलॉजिस्ट हो देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या आती हैं। फर्स्ट में हमारा है रिक्वायरमेंट्स क्या क्या आती हैं। सबसे पहले इसे करने के लिए हमें आरबीसी प्रीपेड कोई सा भी टेस्ट हो, जब आपको कोई सा भी टेस्ट करना हो देन उसके लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट्स आती है वो हमें जमा कर लेनी चाहिए। आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेते हैं, माइक्रोस्कोप तो चाहिए ही चाहिए। फोर्थ में हमारा स्प्रिट कॉटन, ब्लड लेने के लिए स्प्रिट एंड कॉटन। आप यहाँ ब्लड सैंपल भी ले सकते हो क्योंकि हमें स्प्रिट एंड कॉटन चाहिए ब्लड निकालने के लिए, देन ये लिख सकते हैं। या तो फिर आप नीडल ले सकते हो और सिरिंज से भी निकाल सकते हो। काउंटिंग चैम्बर मस्ट है। एंड कवर स्लिप। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि हमें करना कैसे है। सेम प्रोसेस जो हमने टीसी में करी थी आरबीसी काउंट के लिए लगभग लगभग प्रोसेस सेम ही होता है। इसमें 0.5 मार्क तक ब्लड लेना है हमें। इन आरबीसी प्रीपेड देन उसके बाद हमें आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेना है 101 मार्क तक। टेक डाइल्यूसिंग फ्लूड अप टू 101 मार्क एंड इसके बाद हमें इसको मिक्स करना है एंड 2 मिनट्स के लिए वेट करना है ताकि डाइल्यूटिंग फ्लूड एंड ब्लड में रिएक्शन हो। यस, डाइल्यूटिंग फ्लूड एंड ब्लड में रिएक्शन के लिए हम वेट करते हैं 2 मिनट तक। वेट फॉर 2 मिनट। देन जो हमारा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, 2 मिनट वेट करने के बाद अगेन हम आरबीसी पीपेट को उठाएंगे एंड मिक्स करेंगे। अगेन मिक्स इट एंड डिस्कार्ड करेंगे इससे। फ्यू ड्रॉप, 1 से 1 से 2 ड्रॉप
एक से दो ड्रॉप हम डिस्कार्ड करेंगे, आरबीसी प्रीपेड में से एक से दो ड्रॉप नीचे गिरा देंगे, देन इसको हम काउंटिंग चैम्बर में चार्ज कर देंगे। देन चार्ज इट ऑन काउंटिंग चैम्बर। यस, एंड जो हमारा फोर्थ टॉपिक आता है, इसके बाद हमारा काम होता है उसको स्टडी करना, आरबीसी सेल को स्टडी करना। तो हम आरबीसी सेल को स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप में ले जाके, काउंटिंग चैम्बर को माइक्रोस्कोप में ले जाके स्टडी करेंगे अंडर द लो पावर, माइक्रोस्कोप के लो पावर एंड हाई पावर में भी। माइक्रोस्कोप के लो पावर को बोलते हैं हम 10x। 10x में जब हम काउंट करते हैं देन माइक्रोस्कोप के लो पावर बोलते हैं उसको, एंड जब हम हाई पावर में करते हैं देन उसको 40x। ये हो गया हमारा हाई पावर, पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। एंड जो लास्ट हमारा पॉइंट होता है वो होता है हमें काउंट करना, स्टडी माइक्रोस्कोप के लो पावर और हाई पावर में करना है। देन हमें करना कहाँ है वो देखो, काउंट द नंबर ऑफ आरबीसी इन फोर कॉर्नर आरबीसी सेल के फोर स्क्वायर कॉर्नर। कॉर्नर में एंड सेंटर में, सेंटर में ये हो गया, हमें काउंट करना है आरबीसी सेल के फोर कॉर्नर में एंड सेंटर में। जो मैंने नोट्स बनाया है मैं आपको नोट्स से क्लियर करता हूँ कि काउंट करना कहाँ है। ये हमारा हो गया WBC का कॉलम, ये फोर हो गया हमारा WBC का कॉलम, और ये है आरबीसी का कॉलम जिसमें हमें काउंट करना है आरबीसी के फोर कॉर्नर में एंड सेंटर में। देन यहाँ करना है आरबीसी के फोर कॉर्नर एंड सेंटर में, आपको दिख रहा होगा ये है आरबीसी का मैंने सेल बनाया हुआ है जिसमें हमें यहाँ काउंट करना होता है। ये हो गया आरबीसी का फोर कॉलम एंड ये सेंटर हो गया जिसमें हमें आरबीसी सेल को काउंट करना होता है। देन इसका अब बात आता है इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है। तो इसका नॉर्मल वैल्यू होता है एक मेल में, हम सबसे पहले मेल देखते हैं, मेल में इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 4.5 to 6.5 मिलियन पर मिलीमीटर, एंड फीमेल में इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 3.9 to 5.6 मिलियन पर मिलीमीटर।